79 वर्षीय जितेंद्र, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के 3 दशकों तक राज किया, और अब उनके निधन की खबरें आ रही हैं। जी हां दोस्तों, जितेंद्र का निधन हो चुका है। इस तरीके की खबरें आपको सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर। 79 वर्षीय जितेंद्र, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, अब उनका निधन हो चुका है। जी हां दोस्तों, 3 दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे जितेंद्र, जिनकी उम्र 79 वर्ष है, अब उनका निधन हो चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले, कॉमेडी से लेकर एक्शन से भरपूर फिल्मों में काम करने वाले जितेंद्र का निधन हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि जितेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन फेमस एक्टर में से एक है जो कि हमेशा ही लाइम टाइम में रहते हैं, और यही वजह रही है कि लगातार जितेंद्र से जुड़ी सच्ची और झूठी खबरें वायरल होती ही रहती है, और उनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक सच हर एक फैन जानना चाहता है, और इसी वजह से जितेंद्र के निधन की खबरें इस वक्त इतनी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि जितेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिनकी वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर लता मंगेशकर जी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, और इसी हॉस्पिटल में जितेंद्र को एडमिट करवाया गया था, जिसकी वजह से उनके निधन की खबरें वायरल होने लगी। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी सांस लेने में दिक्कत की प्रॉब्लम की वजह से लगातार उनके इलाज में दिक्कतें आ रही हैं, और जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफ तो तुषार कपूर और एकता कपूर, जो कि उनके बेटा और बेटी हैं, वो लगातार फैंस से गुहार लगा रहे हैं कि फैंस उनके पिता के लिए दुआएं करें, तो वहीं हेटर्स लगातार जितेंद्र के निधन की खबरें वायरल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी जितेंद्र के फैन हैं तो कमेंट में आकर गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो का बनाने का हमारा असली मकसद यही है। अगर आपने भी जितेंद्र के निधन से जुड़ी कोई भी खबर देखी या सुनी है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जितेंद्र के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।